नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह परिहार, आज एक बहुत ही खूबसूरत मकान आपके लिए लेके आया हूँ, जिसकी लोकेशन भी बहुत प्यारी है और साइज भी बहुत बढ़िया है। आइए इस मकान का व्यू लेते हैं। ये दो पोर्शन बने हुए फ्रेंड, इसमें कॉर्नर भी है, इधर से भी दिखाई देता है, आप कॉर्नर भी है और एक विदाउट कॉर्नर भी है। दो पोर्शन में ये प्लानिंग बनी हुई है। आइए अब अंदर चलते हैं मकान के। यहाँ पर आपको पिलर ब्लॉक लगा के दे रखा है, चढ़ने के लिए पार्किंग स्लॉप लगा के दे रखी है पूरी रूम, और 5 फीट का लोहे का दोनों तरफ ओपन होने वाला गेट लगा के दे रखा है। यहाँ पर आपको लेम्प लगा के दे रखे हैं, 3 लेम्प मिल रहे हैं आपको। ऊपर आपको प्रोफाइल लाइट लगी हुई है। इस दीवार को बहुत बढ़िया टाइल्स का वर्क कर रहा है। यहाँ पर अपनी पार्किंग हो गई, टू व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं। इधर वाटर टैंक हो गया आपका, दो के बीच में एक बोरिंग कंबाइंड है। आइए अपन घर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको प्लाई की चौखट मिल रही है और प्लाई का बहुत ही अच्छी गेट मिल रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल और डिसेंट लुक में। आइए अपने लिविंग रूम का व्यू लेते हैं। पीओपी वगैरह टोटल चीज कम्प्लीट है। इस तरफ आपको मिल रहा है विंडो डिटेच, लोहे की बहुत मजबूत बार के साथ में, और ग्रेनाइट की पूरी चौखट है फ्रेंड्स। ऊपर भी हो गया अगर आपको कंप्लीट मिल रही है। इस तरफ आपको मिल रहा है टीवी यूनिट, जो कि बहुत अच्छी जगह है और बहुत व्यवस्थित जगह में इसको स्टॉक कर रखा है। ये हो गया अपना डाइनिंग, इसका भी बना सकते हैं, लिविंग रूम में भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। आइए अपन अपने किचन में चलते हैं। ये अपना फुली मॉड्यूलर किचन, पर आपको वार्ड्रॉप वगैरह टोटल चीज मिल रही है। यहाँ पर आपको ग्रेनाइट लगा हुआ है, ऊपर भी आपको स्टोरेज की समस्या नहीं, क्योंकि ऊपर भी आपको वार्ड्रॉप ला के दे रखे हैं। आना भी बाकी है, यहाँ पर आपको बेसिक ला के दे रखा है। वही हमारा वॉश एरिया, इस तरफ फ्लैट्स का बहुत सुंदर पार्टीशन है। आइए अपन चलते हैं अपने वॉश बेडरूम की साइड में। इस तरफ आपको मिलता है अपना टेबल टॉप बेसिंग, नीचे भी स्टोरेज दे रखा है, सामान अगर रखना हो तब भी आप रख सकते हैं। इस तरफ भी आप सामान अगर रखना चाहें तो स्पेस के नीचे का हिस्सा उसको व्यवस्थित यूटिलाइज कर रखा है। आइए अपन चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में। ये रहने जा रहा अपना फर्स्ट बेडरूम। थोड़ी साइज छोटी है पर मकान बहुत अच्छा बना हुआ है फैमिली, और मकान में बहुत अच्छी क्वालिटी से वर्क हुआ है। इसमें भी आपको पीओपी वगैरह सब मिल रही है और पंखे वगैरह सब सारी चीज़ें हम ला के दे रहे हैं आपको। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी टेक्सचर का वॉलपेपर मिल रहा है और एसी की लाइन भी है यहाँ पर छोड़ रखी है। सफोकेशन ना हो इसमें यहाँ पर विंडो ला के दे रखी है, और कॉर्नर का मकान है तो सफोकेशन तो वैसे आपको होने वाली है। इस तरह पे फ्रेंड्स आपकी कॉमन नेट बाथ, फुल हाइट तक की टाइल्स लगी हुई है और फिटिंग भी सारी कंपनी की है। आइए अपन ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील मिल रहा है और ग्लास का कॉम्बिनेशन है, ग्रेनाइट लगी हुई है चढ़ाव पर। यहाँ पर भी फैमिली पूरी लाइट लगी हुई है चढ़ाव पर, किसी कारणवश वो चालू नहीं हुई। ये अपनी लॉबी एरिया, इसमें पीओपी कर रखी है फ्रेंड्स। आइए अपन चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम के साइड। ये है अपना सेकेंड बेडरूम, काफ़ी सफिशियंट साइज है, 15x40 में ये फ्लैट रहने वाला है और 1500 स्क्वायर फीट इसमें कंस्ट्रक्शन करके दे रखा है। कॉर्नर का ये मकान है, इसमें आपको विदाउट कॉर्नर भी अवेलेबल है। ये अपना बेडरूम है सेकेंड, इसमें पीओपी वगैरह सब कंप्लीट है। एक दीवार आपको पेंट से डार्क मिल रही है जो कि बहुत अच्छा कलर है। इधर आपको मिल रहा है अटैच वॉशरूम, जिसमें 10 फीट तक की हाइट की टाइल्स है और वेस्टर्न सीट आके दे रही है। गैलरी में जाने के लिए अपने को स्लाइडिंग डोर मिल रहा है और 3 टेक विंडो भी मिल रही है। ये हो गई अपनी बालकनी, ऊपर भी आपको सीटिंग सीट मिल रही है और आप आसपास का व्यू देख सकते हैं, वो भी हरियाली है और पार्लर का मकान है तो कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है। यहाँ पर भी आपको वुडन की टाइल्स लगी हुई है। आइए अपन अंदर चलते हैं। हो गया अपना भैया थर्ड बेडरूम, इसमें भी आपको पीओपी वगैरह पंखे वगैरह सारी चीजें
से ढाक दीजिए जिसमें वॉलपेपर लगा हुआ है, उस तरफ भी आपको बालकनी मिल रही है। कॉर्नर का मकान है तो दो दो बालकनी इसमें आपको प्रोवाइड करी है, इसमें भी स्लाइडिंग गेट है आयरन का और 3-deck विंडो लगी हुई है। यहाँ से भी आप व्यू दिखा दीजिए भैया, बहुत वेल डेवलप कॉलोनी है और आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा है। ऊपर भी यहाँ पर सीलिंग सीट लगी है और प्रोफाइल लाइट के साथ है। इसमें आपको दिखा देता हूँ अटैच वॉशरूम भी है, वॉशरूम भी इतना बड़ा है कि आप यहाँ पर आपकी वॉर्डरोब्स वगैरह प्लान कर सकते हैं। इसमें भी आपको 10 फीट हाइट तक की टाइल्स मिल रही है वॉशरूम में और यहाँ पर आप अपने वॉर्डरोब्स वगैरह प्लान कर सकते हैं। आइए अपन इसकी टेरेस भी देख लेते हैं। टेरेस में जाने के लिए भी चढ़ाव पे ग्रेनाइट और एसएस की स्टील की रेलिंग लगी हुई है। यहाँ पर अपने को दोनों तरफ गेट मिल रहे हैं, इस तरफ भी है, इस तरफ भी जा सकते हैं आप। जो है हमारी टेरेस आधी इस तरफ है आधी उस तरफ है, व्यू यहाँ से भी आप दिखा दीजिए पूरा। आइए फैमिली नीचे चलते हैं अपन। फैमिली आपने मकान तो देख ही दिया है, इसकी लोकेशन साइज प्राइस के बारे में मैं बता देता हूँ। लोकेशन है पानिया क्षेत्र में है ये मकान और साइज है इसकी 15x40 3BHK मकान रहने जा रहा है और बहुत ही अच्छी प्लानिंग में मकान बना हुआ है। इसमें आप कॉर्नर भी ले सकते हैं और विदाउट कॉर्नर भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। प्राइस की बात करें तो कॉर्नर का आएगा 75 lakh और विदाउट कॉर्नर आएगा 68 lakh। 3BHK में पूरी प्रॉपर्टी रहने जा रही है फैमिली। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आपको आए सबसे पहले पहुँचे। जय श्री राम, धन्यवाद।